Hey guys, welcome to my channel SK Plant Care। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाटर लिली के प्लांट में हम कैसे फर्टिलाइजर डाल सकते हैं ये बताऊंगी। वाटर लिली के प्लांट में अगर हम कंटिन्यूसली फ्लावरिंग चाहते हैं तो हमको अपने वाटर लिली के प्लांट में हर एक से डेढ़ महीने में उसमें फर्टिलाइजर डालना जरूरी है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि फर्टिलाइजर डालने से किस तरीके से आपके वाटर लिली के प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने वाटर लिली के प्लांट पे फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं मेरा वाटर लिली का प्लांट, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे वाटर लिली का प्लांट टब पर लगा सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, जिससे आप देख सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही छोटा सा था जब मैंने इसे लगाया था। आप देख सकते हैं इसकी कितनी सारी लिप्स निकल गई है, इसका ग्रोथ एक महीने में कितना अच्छा हो गया है। तो इस वाटर लिली के प्लांट में मैं आज फर्टिलाइजर डालकर आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप टब में वाटर लिली लगा रहे हैं तो इसके पानी को हमको हर एक महीने में चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर में काई जम जाती है, तो वो साफ़ करने से हमारा पानी और भी क्लियर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमको इस टब का जो पानी है वो पूरा निकालना पड़ेगा। तो किसी भी कंटेनर की मदद से आप ये पानी को इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस टब का जो पानी आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपके बाकी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पानी को आप अपने बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने टब को लगभग पूरा खाली कर लिया है। इसके बाद हमको फर्टिलाइजर लेना है। आप देख सकते हैं इसमें फर्टिलाइज़र, इसमें NPK बोन मील मिला हुआ है। आप मार्केट से NPK भी ले सकते हैं। NPK का रेशियो 90-90-90 वाटर लिली के प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने इस यहाँ पे मिक्स फर्टिलाइज़र में इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आपको करना ये, इसके लिए एक कागज़ लेना है, पेपर, रफ पेपर ले सकते हैं आप। उसमें लगभग हमको 1 टेबल स्पून ये फर्टिलाइज़र लेना है इस तरीके से, और इसका इसको इस तरीके से मोड़ कर हमको अपने वाटर लिली के प्लांट का जो ये सॉइल है इसमें जो ये हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है इसको इस तरीके से दबा देना है। एंड दैट्स इट। बस आपको इस तरीके से आप इतने आसानी से अपने वाटर लिली के प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। और वापस से हमको इस टब में पानी भर लेना है और ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पर में 5 से 6 घंटे की सनलाइट आती हो। वाटर लिली का प्लांट हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो ऐसे जगह में उसको रखना चाहिए जहाँ पर में उसे डायरेक्ट सनलाइट मिले। और साथ में एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर में काई जमा हुआ, तो आप उसको स्क्रबर से साफ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बर्तन जिससे हम लोग वॉश करते हैं वाला स्क्रबर है, तो इसको आप इस तरीके से घिस कर साफ कर सकते हैं। जो भी इसमें काई जमी हुई है टब में वो निकल जाएगी। और आपको अगर टब में स्नेल दिख रहे हैं तो उसको भी आपको निकाल देना है। स्नेल हमारे वाटर लिली के प्लांट की जो लीव्स होती है उसको खाते हैं, तो स्नेल को भी आपको अपने टब से निकाल देना है। इस तरीके से आप अपने टब को साफ कर सकते हैं, जिससे आपका जो पानी है टब का और भी क्लियर दिखेगा। वापस से इसमें पानी भरकर इसको जहाँ पर अच्छी सनलाइट आती हो ऐसे जगह पे अब रख सकते हैं। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। मेरी वाटर लिली के प्लांट में पिंक
और ये येलो कलर की फ्लावरिंग हुई है। मैं अपने वाटर लिली के प्लांट में हर एक से डेढ़ महीने में फर्टिलाइज़र डालते रहती हूँ। तो आप भी अगर अपने वाटर लिली के प्लांट में कंटिन्यूसली फ्लावरिंग चाहते हैं तो हर एक से डेढ़ महीने में आप फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं, जिससे कंटिन्यूसली आपके वाटर लिली के प्लांट में फ्लावरिंग होती रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इससे पहले भी मैंने वाटर लिली पे वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप अपने वाटर लिली के प्लांट को टब पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।